सोनभद्र के बारी महेवा गांव में रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बनाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल से वाराणसी रेफर कर दिया गया है। घटना के दौरान पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शिकायत दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार सोनभद्र के करमा थाना क्षेत्र के बारी महेवा गाँव में आज रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनाने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के दो सगे भाइयों पर दूसरे पक्ष ने हमला बोल दिया, जिससे अखिलेश मोरिया की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं उनके भाई राकेश की गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि विवाद रास्ते में स्पीड ब्रेकर बनाने को लेकर हुआ था। एक पक्ष से तहरीर लेकर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस इस मामले में जांच में जुटी है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। क्या मौत हो गई है? चोट लगा है बनारस के लिए। क्या सर, इसमें क्या किसकी मौत हुई है, कौन घायल? हाँ, अखिलेश की तो मौत हो गई अस्पताल आते आते, और राकेश भी सीरियस हालत में वाराणसी रिफर चला गया। क्या हुआ था, क्या घटना हुई? सुबह में बच्चे निकले थे बाइक लेकर, तो जिससे विवाद हुआ उसके घर के पास में एक ब्रेकर, बहुत ऊंचा ब्रेकर था, और उस पर बच्चा जब गिर गया तो वही बोला कि ब्रेकर इसको हटा दीजिए आप, केवल इसमें से मिट्टी छोड़िए और बाकी जो ईंटा पत्थर इसमें डाले हैं हटा दीजिए। इस पर बाद विवाद हो गया, दोनों पक्ष बाजी बाजा मारी मारा, अपना दंत कटौल भी कर लिए हैं। सुबह की बात है, ये सुबह की घटना है। क्या हुआ फिर? दोनों पक्ष अपना थाने पे पहुंचा, वहां से एक पक्ष यहाँ जो अभी एक्सपायर हुआ है उसका लड़का था, ये सब चले आए हॉस्पिटल मेडिकल कराने, और जो यहाँ ही मेडिकल कराते तब तक करीब 4 बजे से ही 10 लोग उनका घर आगे पीछे बाएं दाएं पता चला कि घूम रहे थे, और उसमें 5-6 लोग बनारस से पता चल रहा है कि बनारस में इनके घर के जो बादी हैं, इनके घर के लोग काम करते हैं, वहाँ से भी दो तीन घटना कैसे हुई, कैसे हमला कर दिया, क्या किए लोग? ये लोग तो सुबह की घटना के बाद अपने अपने कार्यों में लगे थे। फिर शाम को क्या हुआ? शाम को ये अखिलेश और राकेश दोनों अपने खेत के तरफ गए थे, तो घात लगाकर दूसरा पक्ष देख रहा था, और देखने के बाद जब देख लिया कि दो खेत में घूम रहे हैं, दौड़ा लिए। किस चीज से मारे? पता लगा है कि राज ने, यहाँ हॉस्पिटल में पता चला है कि राज से मारे हैं। आज थाना खरमा के बारीचक गांव में शाम को 5 बजे रास्ते में सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाने को लेकर के दो पक्ष आपस में आमने सामने आ गए और कहासुनी हुई और आपस में लाठी डंडे से मारपिटाई हुई। इसमें एक पक्ष के अखिलेश कुमार मौर्या, इनकी उस लड़ाई में मृत्यु हो गई। उनको जब मेडिकल के लिए लाया गया हॉस्पिटल, तो उनको मृत घोषित कर दिया गया, और उनके साथ ही इसी पक्ष के एक और राकेश हैं, इनकी हालत गंभीर थी, तो उनको BHU ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। इस संबंध में चूँकि जो दूसरे पक्ष के दो लोग थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो वादी पक्ष है उससे तहरीर प्राप्त करके 302 का मुकदमा लिखा जा रहा है, और शीघ्र ही जो अन्य लोग हैं जिनके द्वारा ये घटना कारित की गई है उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।